हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप अर्निंग टिप्स। दोस्तों आज मैं पार्क इजी जॉब जो डेटा एंट्री की वेबसाइट थी उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि उससे कैसे अर्निंग करनी है, लेकिन आज मैं इसमें आपको पेमेंट प्रूफ देने जा रहा हूँ। इस पर अब मैं लाइव विथड्रा करके दिखाऊंगा। एक बार पहले भी मैंने इस वेबसाइट से विथड्रा लिया था, लाइव वीडियो भी अपलोड की थी, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और आज भी मैं यहाँ से फिर इस वेबसाइट पर आज विथड्रा करूँगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को आपको देखना होगा। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों आ जाते हैं विथड्रा पे। तो दोस्तों मैं आपको इजी पैसा से यहाँ से विथड्रा डायरेक्ट ले के दिखाता हूँ। ये अर्निंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डेटा एंट्री का कैप्चर आप फॉलो करके अर्न कर सकते हो बिल्कुल भी। ये लीगल वेबसाइट है, मैंने पहले भी इस पर अर्निंग का मेथड भी बताया था, और यहाँ से वो भी मैंने बताया था आपको, ये डेटा एंट्री करके यहाँ से वर्क करना होता है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको यहाँ से ये दिखा दूँ, ये ट्रस्टेड बंदा है, उसकी पूरी एड्रेस दी है, उसके नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक लिंक्स और दीगर ईमेल भी दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ पेमेंट प्रूफ पे, तो मेरा अभी नाम इस लिस्ट में नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने पेमेंट प्रूफ इससे नहीं लिया, बहुत दिन पहले मैंने लिया था। तो ये नेम देख सकते हो, मेरा नेम आप जानते ही होंगे, हुसैन। तो इस पर कहीं भी नहीं है, ये दूसरे लोगों ने यहाँ से विथड्रा लिया है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों में यहाँ से विथड्रा नहीं लिया, एक वीक शायद पहले मैंने विथड्रा लिया था। तो अभी मेरा नेम आप यहाँ से इस लिस्ट में नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं विथड्रा लगाता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ से फिर आके दिखाऊँगा कि मेरा नाम यहाँ पर आता है कि नहीं। और EasyPaisa अकाउंट में भी मैं जाऊँगा, वहाँ भी आपको मैं दिखाऊँगा कि मुझे पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं। कंप्लीट मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा, EasyPaisa का मैसेज आएगा वो भी दिखाऊँगा, और यहाँ का विथड्रा हिस्ट्री है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो आपको बिल्कुल भी पूरी देखनी होगी दोस्तों। ये देख सकते हो मैंने एक बार पहले 624 रुपये लिए थे, यहाँ से आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले मैंने विथड्रा लिया था, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो आ जाते हैं अब विथड्रा लगाना, तो कैसा लगाना, जस्ट थ्री डॉट्स पे क्लिक कर लेना, उसके बाद विथड्रा पे आ जाते हैं। तो मेरा EasyPaisa अकाउंट का नंबर पहले ही यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, सेटिंग मैंने कर रखी है, आप देख सकते हो। आपको सिलेक्ट करना है आप जिसमें भी विथड्रा करने चाहते हो, EasyPaisa या Jazzcash, तो मैं EasyPaisa में लेने चाहता हूँ। उसके बाद कितना अमाउंट में अकाउंट नंबर, ठीक है, आपको यहाँ से फिर लगाना होगा लाजमी, जो भी आपका Jazzcash या EasyPaisa लगाते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अपना नंबर यहाँ से लगा देता हूँ, तो आपको नंबर केयरफुली से लगाना। तो मैं यहाँ से फिर चेक कर लेता हूँ, मेरा नंबर 3034230682 01। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका नेम है, ठीक है, वो आपको नेम लिख देना। उसके बाद अमाउंट आप जितने करने चाहते हो, ठीक है, मैं यहाँ से जस्ट इतना ही करना चाहता हूँ, या 10 रुपये करने चाहता हूँ, जितने भी आप करने चाहो, 18 रुपये हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जो पहले विथड्रा लिया था, मैं आपको वो भी आप दिखा दूँ। ये देख सकते हो सब कितने रुपये लिए थे, किस नंबर पे लिए थे, और अकाउंट नंबर भी, होल्डर नेम भी लिखा हुआ है, TID भी लिखा है, ठीक है। तो ये पहले वाला है, अब मैं यहाँ ये लगाने वाला हूँ। तो आपको नंबर आपको रिचेक करना होगा अपना, क्योंकि नंबर अगर टांग लग जाए तो दूसरे के नंबर पे किसी के उसके अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे दोस्तों क्लिक कर लेना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो विथड्रा रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, एंड मतलब 24 घंटे में आपके पास यहाँ से आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो उससे पहले ये अभी मेरा बैलेंस पेंडिंग में आप देख सकते हो, ये अभी हमने विथड्रा लगाई है। और उससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ ये बैलेंस कितना हुआ है, मैं आपको TID भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये TID अभी नहीं आई क्योंकि रिसीव, जब बैलेंस आ जाएगा उसके बाद यहाँ से TID रिसीव हो जाएगी और मैसेज आएगा, मैसेज में वो भी। तो दोस्तों जो हमने विथड्रा लगाया था वो मुझे अभी 24 घंटे के बाद ही रिसीव हुआ है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ से विथड्रा हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं EasyPaisa का मैसेज मुझे आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से नोट कर लें मेरी स्टेट, आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस कितना अमाउंट है वो, उसके बाद मेरा नंबर, उसके बाद मेरा नेम यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये आप नोट कर लें, ठीक है, TID, यही मैं आपको मेरे मैसेज में दिखा देता हूँ TID। सबसे पहले आप यहाँ से नोट कर लें केयरफुली से, ये देख सकते हो लास्ट में क्या है, 2169, ठीक है, यही मैं आपको मैसेज में दिखा देता हूँ, जो EasyPaisa से मुझे अभी मैसेज आया, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आपके 2169, ये सेम है। आपको लगता है कि नहीं, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं तो ये आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये अभी मुझे रिसीव हुआ बैलेंस 50 रुपया, यहाँ से टैक्स में जो होता है उनका ये काट के ये उन्होंने अभी मुझे बैलेंस भेजा है। ये आप देख सकते हो डेट टाइमिंग डे टू डे लिखा हुआ है यहाँ से, अगर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ,
यहाँ से आप ये दोस्तों ये देख सकते हो, TID भी देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ से मैं इनके वेबसाइट की आपको ये भी मैंने TID नोट करा ली। उसके बाद यहाँ से ये जो अपना पे आउट लगाते हैं ठीक है अपनी वेबसाइट पे प्रूफ, उन पे मैं आपको नोट करा देता हूँ। वहाँ पे मेरा नेम और यहाँ से जो TID इशू होती है कि नहीं, पेमेंट प्रूफ आप खुद भी यहाँ से चेक कर देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाके पेमेंट प्रूफ में जाएं, उसके बाद यहाँ से अगर मेरा नाम अपडेट हुआ है तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से मेरा नेम, ये मेरा अमाउंट, उसके बाद TID सेम ये लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको पेमेंट प्रूफ दिया है। अगर आपको अभी भी यकीन है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, डेटा एंट्री की वेबसाइट है, इस कैसे वर्क करना है उस पर पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।